Okay. So finally, after 3 months break from YouTube, I am back. 3 weeks के लिए मैं out of station था और आने के बाद मैं almost for 2.5 weeks I was not well. मेरी हालत ख़राब हो गई थी और I was very lazy to make a video. But I promise now I am going to be regular on YouTube. और आज का दिन कुछ खास है. पिछले कुछ एक व्लॉग्स के अंदर मैंने आपके साथ में शेयर किया है दैट आई एम लुकिंग फॉर अ सेकेंडरी बाइक और उसके चलते मैंने टेस्ट राइड लिया था हंटर क्लासिक 350 ओल्ड वन एंड द न्यू बॉर्न. इजीली पुल करके जाता है 60 पे देन यू नीड टू अप शिफ्ट. बहुत अच्छी फ्लिकेबल बाइक है यार. इट फील्स अमेजिंग. इट्स कंप्लीटली डिफरेंट बाइक देन द ओल्ड वन. अभी आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे बैठ के क्यों ब्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज के जो भी आ रहा है मेरे पास में आ रहा है और इंक्वायर कर रहा है, इसलिए मैं अभी थार के पीछे छुप गया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ. बट एनीवेज, सो मैं आपको बता रहा था कि मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था क्लासिक 350 रीबॉर्न, लेकिन ट्रायम्फ और हार्ली डेविडसन ने जब ये बाइक्स लॉन्च किया है तो आई हैव टू रीथिंक माई डिसीजन. और उसी सिलसिले में आज मैं जा रहा हूँ ट्रायम्फ शोरूम टू एक्सपीरियंस स्पीड 400. बहुत अच्छा सुना है बाइक के बारे में और प्राइसिंग अमेजिंग है, बट चलाने में कैसी है वो आज जाके पता करते हैं. लेट्स गो. Here we are, and this is the key. This is our bike. Okay, perfect. Fuel gauge is full, and let's start the bike. Let's hear the exhaust. This is how it is sounding. यहाँ तक इसका पुशबैक आ रहा है एयर का. Let's ride it. Okay, seat height तो बहुत ही अच्छा है इसका, बड़े आराम से पैर रख सकते हैं आप. Only problem I see is ये foot pegs का position जो है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लगेगा, अगर आगे होता था तो बेहतर रहता था. Let's go. Oh, right. First gear shifting is really smooth, huh? Turning radius, okay, not bad. And here we go. Acceleration is spot on, yaar. Cool. Brakes are really nice. Gear shifting is smooth, yaar. And the clutch is really, really very light, yaar. Feather light. Really good. Horn is not great. Oi, 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 oi. मेरा नाम है चुटिया. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साइड मिरर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, इतने अच्छे नहीं रहेंगे, बट मिरर्स जो हैं काफ़ी फंक्शनल हैं. लुक्स कूल, एट द सेम टाइम दे वर्क्स रियली वेल. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बाइक टू बी सो गुड यार. नाइस. Wow. Brakes, let's check the brake. यहाँ पे टर्निंग है, टर्निंग पे ब्रेक लगेगा. ब्रेक्स बहुत सही है यार. लगाता हूँ ब्रेक.
वेरी गुड ब्रेक्स यार, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग इसके टायर्स हैं। कौन से हैं? आई हैव टू चेक, अपोलो है या फिर MRF है? अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है और काफ़ी स्लो स्पीड पे हाई गियर में रहा जा सकता है, इसका मतलब सिटी के लिए काफ़ी अच्छी है ये बाइक। एंड लेस देन 10 सेकेंड गियर में बहुत ही ईजीली जा रही है। अच्छा क्रिप मोड बहुत अच्छा है इसका, स्लो स्पीड पे भी बहुत ही कंफर्टेबल है। इट्स लॉन्चिंग फॉरवर्ड यार। यहाँ पे फ्री में खाना मिलता है, इसकी वजह से काफ़ी भीड़ रहेगी यहाँ पे। फ्री मील्स ऑन व्हील्स। क्या मनूवरेबिलिटी है यार इस बाइक की। एक्सेलरेशन तो जबरदस्त है यार, बहुत अच्छा एक्सेलरेशन है। क्विक ओवरटेकिंग ब्रीज है, ब्रीज। अभी तक तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है वो है इसका एक्सेलरेशन, क्लच ऑपरेशन और इसका गियर शिफ्टिंग, बहुत स्मूथ है तीनों। ब्रेक्स भी बहुत अच्छे लगे मुझे। लुक एट दिस यार, वाओ। मजा आ गया यार, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बाइक से यार। ओ बॉय बॉय बॉय, लेट्स स्टॉप हियर फॉर सम टाइम एंड चेक दिस बाइक। बाइक जो है स्टार्ट होनी चाहिए, स्टार्ट होने के बाद में ये जो आई स्विच है इसे आप पूरा नेविगेट कर सकते हैं। इसको ट्रिप 1, ट्रिप 2, किलोमीटर्स पर लीटर साइड स्टैंड ऑन 1037, 1000 किलोमीटर्स हो गए एंड देयरफॉर यू सी दिस साइन। सर्विस का शायद ट्रिप में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता यार, ट्रिप 1 ओनली किलोमीटर्स। Let's ride. चलो। Nice यार। The clutch is really light यार। And gear shifting is smooth, very smooth gear shifting. Acceleration is spot on. Come on. Hi hi hi. Gear shifting is smooth यार। Look at this. एक्सेलरेशन तो जबरदस्त है यार। मिनी 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 मिनी, वाओ। मैं फिफ्थ गियर में था और आई वाज इन आई थिंक 35-40 और वहां से इजीली बाइक ने पिक किया एंड नाउ क्विक ओवरटेक फिफ्थ गियर के अंदर से आराम से, वेरी इजी। एंड इट गोस, द क्लच इज फेदर लाइट, वेरी इजी। थोड़ा सा रीच करना पड़ रहा है बट इतना ज्यादा नहीं है, कंफर्टेबल। हाय हाय हाय, मजा आ रहा है ये बाइक को चला के यार, शानदार शानदार। आई वॉज थिंकिंग कि यार ये बाइक कैसी रहेगी सिटी के अंदर। रियली इजी बाइक, वेरी इजी। सेकेंड गियर, इट्स लॉन्चिंग फॉरवर्ड, रियली गुड पावर डिलीवरी। पावर डिलीवरी बहुत सही है सिटी के हिसाब से भी, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत सही ट्यून किया है बाइक को। फॉल्स न्यूट्रल लगा अभी, वो सेकंड की जगह पे न्यूट्रल पे चला गया। ओके, देखो सिटी के अंदर चला रहा हूँ मैं इसको, जो कि टिपिकली जो हमको ट्रैफिक कंडीशन मिलती है, हैदराबाद के अंदर बात करूँगा मैं, ऐसा ही ट्रैफिक रहता है थ्रू आउट।
मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। और इस तरह के ट्रैफिक में भी आप बड़े आराम से इजीली इसको अगर चला सकते हैं तो फिर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देती है ये बाइक आपको। सो फार आई एम लविंग दिस बाइक। कहीं पे भी मैं थोड़ा सा भी लीन कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ रहा है मेरे को। टायर से बहुत अच्छी ग्रिप मिल रही है। 20 के नीचे आपको डेफिनेटली सेकंड गियर तो चाहिए, थर्ड गियर नहीं चलेगा। लेट्स गो। अरे यार एक्सेलरेशन बहुत सही है, बहुत सही एक्सेलरेशन। अरे यार कभी आप 100 पे पहुँच जाते हो इस पर बिल्कुल पता नहीं चलता है। ऑल दो विंड ब्लास्ट तो ज़रूर आ रहा है मुझे। आगे की तरफ में जो स्क्रीन लगेगी विंडशील्ड, उससे कितना फ़ायदा होगा पता नहीं है, बट एस्थेटिकली वो डेफिनेटली इसमें एक ऐड करता है अपील। और देखो ये जो रंबल स्ट्रिप्स आ रही हैं यहाँ पे, हैवी है, अच्छी अच्छी कार्स के अंदर भी हिल जाता है ये वाला। ये रंबल स्ट्रिप जो है ये हिला डालती है। हाँ वाह, सस्पेंशन ज़बरदस्त है इसका यार। Look at this, आराम से you can lean very easy. क्या यार Triumph and Bajaj have nailed it. Lethal city bike यार। Look at this. Oh my God. अभी this is what you can do. थोड़ा बहुत पावर मेरे को जो चाहिए था वो इसमें है और पावर की इसमें एब्सोल्युटली नो दिक्कत। शानदार मशीन बनाया यार ट्रायम्फ ने, मजा आ रहा है इस बाइक को चलाने में। कहीं पे भी पावर की कमी नहीं लग रही है मुझे, अनसेफ भी फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। हाई स्पीड पे जाके कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ऐसा फील आता है कि बाइक आराम से रुक जाएगी अगर ज़रूरत लगी तो। ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, आई थिंक ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल आर ऑल्सो वर्किंग रियली गुड। कहीं पे भी मुझे अननर्व नहीं किया है अभी तक बाइक ने एक भी बार। थोड़ा सा मैं रफ चला रहा हूँ डेफिनेटली। The suspension is beautiful, yaar. I'm having a lot of fun, yaar. That's what. Okay, yahan se lenge right. I was thinking it to be little lazy bike for city, but I am so wrong. This is amazing machine. मज़ेदार bike है ये, city के अंदर चला लो, बहुत relaxed ride है, बहुत ही easy है ये bike को चलाना। जो machine है ये बहुत ही comfortable है slow speed पे भी, और इमीडिएट आपको एक्सेलरेट करके निकलना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बाइक के लिए। और कहीं पे भी अगर ज़रूरत लगी कि आपको इमीडिएट ब्रेकिंग करना है ऐसा, जस्ट अप्लाई द ब्रेक्स। मेरा आदत में क्या है कि मैं फ्रंट एंड रियर दोनों साथ में लगाता हूँ, सो यू गेट बेटर स्टॉपिंग पावर। यप, ये भी गुड। हैंडलिंग बहुत अच्छा हैंडल कर रही है बाइक, आप आराम से लीन करेंगे। देखो मैं ADV चलाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लीन करके तो ऑब्वियसली नहीं चलाता। मुझे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस दे रही है ये बाइक कि वो सब कुछ भी मैं करूँ।
Oh, what the hell? No, nothing is there. Just थोड़ा बहुत. अभी भी फॉल्स न्यूट्रल लग रहा है. बस ये एक दो बार फॉल्स न्यूट्रल लगा है मेरे को, अदरवाइज इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. या तो उस तरफ चले जाओ ऑटो वाले भैया, या फिर इधर रह लो, किसी एक साइड तो पकड़ो. निकल गए. नहीं, ये फॉल्स न्यूट्रल हो जा रहा है. ये मैंने देखा, ये तीसरी बार हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है. वैसे इसमें भी कुछ ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही है. इसका हैंडल बार जो है आम तौर पे जो दूसरी बाइक्स है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा मूव करता है. सो ओवरऑल एंगल जो है वो काफ़ी अच्छा वाइड मिलता है. ओके, ये क्या हो गया. सो ओवरऑल बाइक बहुत बहुत अच्छी है. ऑलराइट, लेट्स ब्रिंग इट हियर एंड डन. ओके, सीट भी बहुत सही है. इतनी नैरो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं है. इट्स कंफर्टेबल. मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा नैरो रहेगा, लेकिन नहीं है. बाकी एवरीथिंग लुक्स रियली कूल.